भाई अभी हम लोग लल्लू की लैला देख करके आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार करना चाहिए? बहुत अच्छी फिल्म बनी है और ख़ास बात तो ये है कि इसमें दो हाफ, एक फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, दोनों सरप्राइज़ है। और इस फिल्म में सारे एक्टरों को मैंने देखा पहली बार भोजपुरी में इस तरह से कर रहे हैं कि हर आदमी अपने अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छा प्ले किया है। खास करके मैं रीना के लिए कहना चाहूँगा, रीना चूंकि उसी मिट्टी की हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर को पकड़ा है। सुशील जी एक सरप्राइज पैकेज हैं और जितना एक्टर हैं, जिनका जितना लेंथ है, सबने बहुत अच्छा किया है। फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, डायरेक्शन पॉइंट से देखा जाए तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जो भी एक्टिंग लोगों ने इससे करवाया गया है, अच्छा कर रहा है। और बहुत अलग फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, इंटरटेनिंग है। लल्लू और लैला की जोड़ी इसमें डिफरेंट है। शुरू में तो लगता है कि नहीं, इसमें लल्लू को लैला मिलने वाली नहीं है, लेकिन कहानी इतनी कसी हुई है और इतना बढ़िया से काम किया गया है कि वो सारे दर्शक यही चाहते थे, इसका अंत यही होना चाहिए। और ये फिल्म में फर्स्ट टाइम मैंने देखा, अम्रपाली ने बहुत अच्छा काम किया है। वो दूसरी लड़की जो मॉडल का कर रही थी, वो अपना कैरेक्टर के साथ उन्होंने न्याय किया। बिल्कुल वो लड़की में है भाई, पूरा सारी चीज़ें दिख रही है। अच्छा, उनका फिजिक्स अच्छा है, उनका टाइमिंग बहुत अच्छी है, डांसर हैं। तो कुल मिला के इस फिल्म के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि भाई ऐसे ही अच्छी अच्छी फिल्में बने। आप सबका खास ये, आप तो भाई मीडिया वाले लोग हैं, अच्छी फिल्मों को बताइए, लोगों को दिखाइए कि भाई हाँ, लोगों तक पहुँचनी। बिल्कुल, फूहड़ शब्द तो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा फूहड़ फिल्में तो हिंदी में बनी है, तो उस पर कोई नहीं कहता। और रही बात परिवार की, तो मैं तो परिवार लेके आया हूँ, परिवार लेके साथ में, मेरे साथ मेरी पत्नी है, असली दर्शक तो हमारे हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी, साफ सुथरी फिल्म है, बहुत अच्छी लगी मुझे। इनके कहने का मतलब कि परिवार के साथ देख सकते परिवार के साथ देख सकते। एक्शन रिएक्शन तो हम कलाकार हैं, हमें जो किरदार दिया जाता है हम पूरी शिद्दत के साथ उसे निभाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि जो हम काम करें उसे पब्लिक पसंद करे। तो अगर पब्लिक उसे पसंद करती है तो हमारी वाहवाही, हमारी सफलता उसी में है। और बाकी भैया ने जो भी बोला फिल्म के बारे में, और हम खासकर ज़्यादा एक्ट्रेस ही थे देखने में, अब ये पब्लिक से जब आप रिव्यू लेके आएंगे तब असली खुशी हमें मिलेगी कि हमने जो किया है वो सफल हुआ है। लेकिन एक एज एन एक्टर मैं जो बोलूँगी, फिल्म काफ़ी अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत बढ़िया है और सारे किरदार जितने भी हैं अपने आप में कमाल है, सब ने कमाल किया है और कहानी कहीं भटक नहीं रही, एक ट्रैक पे जा रही है। जैसे भैया ने बोला फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, दोनों होने के बावजूद भी छोटे छोटे जो रिएक्शंस हैं वो लिए गए हैं, तो कहानी कहीं से ब्रेक नहीं हो रहे, एकदम ट्रैक पे फिल्म जा रही है और लोग इंजॉय कर रहे हैं। मैं पर्सनली मैंने बहुत इंजॉय किया और अपने कैरेक्टर को भी देख के मुझे अजीब लगा कि मैंने ऐसा किया है। अरे वो एक सीन संजय जी और वो अपने प्रकाश जैसे आते हैं, वो दो तीन उनकी एंट्री भी बड़ी गजब रही है और बड़ा ह्यूमर हुआ है, बड़ा नेचुरल वो लाफ्टर आया, लोग बहुत हंसे हैं। और वो जो बोलते हैं ना कि तुमको कहा था कि मेरी बीवी पर ध्यान देना, मियाँ बीवी पर ध्यान देने के लिए, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो इसीलिए मैं अपने आप में इसलिए मैं लास्ट में तुम्हारा वो जो आता है जब वो बहू पूरा लड़ने लगती है, तुम्हारा वो जो दिखना जाना ये जाना, और लास्ट में जो वो बहुत कमाल का भैया, मैं सोच एंडिंग में वो पार्ट बहुत अच्छा आया, मुझे लगा कि मैंने किया है ऐसा, मुझे लग रहा था क्योंकि पर्सनली मैं बहुत थोड़ी सी मतलब इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं घुलती मिलती हूँ, लेकिन वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत ही खुलके था एकदम से, तो ये मेरे लिए एक अच्छा मतलब एक मौका था जिसको मैंने किया है। जो लोगों को पसंद आ रहा है, भैया सीनियर है हमारे, एक्टर हैं, इनको पसंद आया, भाभी को कैसा लगा? ये बहुत पसंद आया मुझे, चर्चा कर रहे थे बीच में, चर्चा कर रहे थे, लड़ाई करने में नीलम ने भी कसर नहीं छोड़ा है। नहीं, उसका एक दो लुक बहुत अच्छा, जो ऐसे नीलम जी ने जो मेरे काउंटर दिया है ना, वो भी कमाल, और वो तुमको देखने के लिए एक बार वो आई ऐसे जो देख रही ना, कमाल कमाल नीलम जी, तो एकदम एकदम दोनों हम लोग एकदम, लेकिन अच्छा लगा। दर्शकों को अपील करूंगी कि ये ज़रूर फिल्म देखें और सराहें, जब काम की सराहना होती है तो मनोबल और बढ़ता है, तो हम और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ आप जाइए और देखिए, फिल्म देखनी चाहिए भाई, अगर फिल्म देखेंगे नहीं तो ट्रेड कैसे चलेगा। और रही बात दर्शकों से, अपील ये है कि आप
पहले फिल्म देखें फिर कमेंट करें, देखने के बाद विचार बनाएं, क्योंकि सिनेमा आपके लिए ही बनी है, कोई भी फिल्म बनती है आप सबके लिए, तो आप एक बार देखें और देखने के बाद फिर आप अपना विचार रखें। प्लैनेट भोजपुरी।